हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षा किचन डॉट कॉम। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, जिससे हम नवरात्रों में माता का भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सूजी का हलवा बनाना। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी और एक छोटी कटोरी चाहिए हमें चीनी और 4 से 5 हरी इलायची, जिसको हम तोड़कर उसका पाउडर बना के यूज़ करेंगे, और 7 से 8 चाहिए हमें बादाम, इनको हम बारीक काट कर हलवे में डालेंगे, और 4 से 5 ही हमें चाहिए काजू, और 3 कटोरी चाहिए हमें पानी, क्योंकि मैंने एक कटोरी सूजी ली है, तो उसके लिए हमें 3 कटोरी पानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूजी का हलवा बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई में ये आधा देसी घी डाल देंगे, आधा हम इसमें बाद में यूज़ करेंगे, और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और सूजी को हम छान लेंगे। मैं इसी में छान लेती हूँ। और सूजी को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सूजी को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करते हैं। हमें इसको बराबर चलाते रहना है, वरना हमारी जो सूजी है तले में चिपक जाएगी। अगर आपको लगे कि हमारी सूजी जल रही है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लें। देखिए सूजी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें हम डाल देते हैं 3 कटोरी करीब पानी। इसको हम अच्छे से उबलने देते हैं, जिससे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी और हलवा हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है, तो जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे इसको डाल देंगे। थोड़े थोड़े हम बचा लेंगे, जिससे हम गार्निशिंग करेंगे। और जो हरी इलायची ली थी उसको मैंने तोड़कर इस तरह से बना लिया है, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी इलायची के पाउडर से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसका फ्लेवर बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो आप इसको ज़रूर डालें और इस तरह से इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते रहें, जिससे हलवा हमारा जलेगा नहीं। सूजी का हलवा हमारा देखिए गाढ़ा होने लगा है, तो इसे हम इस तरह से अच्छे से चलाते जाएंगे, और जब तक चलाएंगे जब तक ये हमारा हलवा कढ़ाई के तले को छोड़ने ना लगे, तो जब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे तो सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी और हलवा हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। हलवा हमारा तैयार है, तो इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। इसे मैंने माता के प्रसाद के लिए बनाया, तो मैं इसे दोने में सर्व कर लेती हूँ। सूजी का हलवा हमारा बनके तैयार है। आप भी इसी तरह से माता का भोग बनाएं और माता को प्रसन्न करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।